हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जो हमको आगे बहुत काम आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाए या कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पर उसका हुआ जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि आखिर फ्लूइड होता क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। सबसे पहले फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड, इट इज़ अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। मीन्स फ्लूइड एक टाइप का सब्सटेंस है जो कि अंडर ग्रेविटी के अंदर फ्लो हो सकता है। दूसरा पॉइंट है फ्लूइड का कि इट कैन डिफॉर्म का मीन्स इट कैन चेंज द शेप। इट कैन डिफॉर्म ऑल्सो वेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और उसका मेन फंक्शन है, सबसे मेन फ्लूइड का, कि इट कैन टेक द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स वो किसी भी शेप का, जैसे कंटेनर, ग्लास, बॉटल, किसी भी ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा। और पहला पॉइंट क्या था फ्लूइड का, कि इट इज सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो अंडर ग्रेविटी, इजिली वो फ्लो होएगा। इट कैन डिफॉर्म ऑल्सो वेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम उसको फोर्स अप्लाइड करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम ग्लास ऑफ वाटर को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो उसमें से पानी अपने आप नीचे गिरने लगेगा। मीन्स वो अपना शेप चेंज कर रहा है, नीचे ग्राउंड पे आ रहा है तो ग्राउंड का शेप ले रहा है, बॉटल में तो बॉटल का। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इट कैन टेक द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में हम डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वो शेप ले लेगा। ये हो गया हमारा फ्लूइड। अब उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है किसके ऊपर, बिहेवियर ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। मींस फ्लूइड मैकेनिक्स यही है, स्टडी ऑफ फ्लूइड मीन्स ब्रांच, वो क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड सॉलिड गैसेस जो अपना फ्लूइड है उसका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स के उसके बाद तीन ब्रांच है उसके, पहला ब्रांच है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और लास्ट है फ्लूइड डायनामिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के तीन ब्रांच है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। अभी फ्लूइड स्टैटिक क्या है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फ्लूइड, तो ये फ्लूइड स्टैटिक भी स्टडी ऑफ फ्लूइड है। हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी स्टडी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड डायनेमिक भी स्टडी ऑफ फ्लूइड है, लेकिन ये वर्ड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये वर्ड इनको चेंज कर देता है। जैसे भी फ्लूइड स्टैटिक मींस स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ये मेन है, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे कब, जब फ्लूइड रेस्ट के पोजीशन में रहेगा। सेम फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फ्लूइड। अभी ये फ्लूइड स्टैटिक मींस स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अभी हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब समझ गए कि स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, लेकिन इसमें कंडीशन है,
हम फ्लूड का स्टडी करेंगे जब वो मोशन में रहेगा, लेकिन एक और चीज़ हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा कि उसमें एक भी फोर्स नहीं आना चाहिए, विदाउट कंसीडरिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम इसमें भी फ्लूड के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा ये मोशन में रहेगा और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एज्यूम नहीं करेंगे। और फ्लूड डायनेमिक्स भी सेम ही है, स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन। अभी हम लोग ने काइनेमेटिक्स में एज्यूम किया था विदाउट कंसीडरिंग यानी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स कंसीडर करेंगे, तो वही लिखना है बाई कंसीडरिंग एक्सटर्नल फोर्स। अभी हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया, फ्लूड स्टैटिक, फ्लूड काइनेमेटिक्स, फ्लूड डायनेमिक्स। होता क्या है, फ्लूड स्टैटिक स्टडी ऑफ फ्लूड एट रेस्ट, फ्लूड काइनेमेटिक स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन, जब भी फ्लूड मोशन में रहेगा तो, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब फ्लूड डायनेमिक्स स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन बट बाय कंसिडरिंग एक्सटर्नल फोर्स। अभी फ्लूड स्टैटिक के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, उसका कंसेप्ट आखिर है क्या। स्टडी ऑफ फ्लूड एट रेस्ट, रेस्ट मीन्स उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अभी ये रिलेटिव मोशन किसके बीच में, फ्लूड के बीच में, देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी लेयर्स ऑफ फ्लूड। अभी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, मीन्स जो शियर स्ट्रेस हमारा रहेगा टाउ वो हमारा जीरो रहेगा, क्योंकि जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, दोनों का वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो मतलब जो शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होएगा वो हमारा जीरो रहेगा। और इसमें हम खाली टू टाइप के फोर्स कंसीडर करते हैं, ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कंसीडर्ड। पहला है हमारा बॉडी फोर्स और दूसरा हमारा है सरफेस, मीन्स फोर्स नॉर्मल टू बॉडी, मीन्स ये फोर्स हमारा बॉडी को परपेंडिकुलर रहेगा, और ये बॉडी फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका खुद का वेट। तो ये दो टाइप के फोर्स कंसीडर करते हैं, एक बॉडी फोर्स और एक फोर्स नॉर्मल टू बॉडी। और ये फ्लूड एट रेस्ट है, मीन्स इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है मतलब इसमें वेलोसिटी जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो है तो मतलब शियर स्ट्रेस उसमें जीरो, क्योंकि शियर स्ट्रेस कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमारा दो लेयर है, दोनों का वेलोसिटी जीरो है, तो इसके बीच में जो टाउ रहेगा शियर स्ट्रेस वो भी हमारा जीरो रहेगा। अभी फ्लूड काइनेमेटिक्स से बात करेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग एनी फोर्स। अभी इसको स्टडी करने के लिए दो अप्रोच किए जाते हैं, एक लैग्रेंजियन और एक यूलेरियन अप्रोच। ये दो अप्रोच हम लोग लेते हैं ये फ्लूड काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए। पहला अप्रोच है लैग्रेंजियन अप्रोच और दूसरा है यूलेरियन। लैग्रेंजियन और यूलेरियन ये दो अप्रोच है जिसके थ्रू हम फ्लूड काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये लैग्रेंजियन अप्रोच होता क्या है और यूलेरियन अप्रोच क्या होता है। लैग्रेंजियन अप्रोच में हम खाली बस जो फ्लूड मॉलिक्यूल्स रहता है उसके ऊपर हम कंसीडर करेंगे, और जो यूलेरियन अप्रोच है वो हम खाली फ्लूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके ऊपर कंसीडर करेंगे। अभी लैग्रेंजियन अप्रोच में हम खाली बस फ्लूड के मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देंगे, मॉलिक्यूल्स पे, और यूलेरियन में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स पार्टिकल्स रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। बस ये दो यूलेरियन और लैग्रेंजियन ये दोनों के थ्रू हम फ्लूड काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। और लास्ट है हमारा फ्लूड डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन बाय कंसीडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस।
अभी हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडर नहीं किया था, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स इसमें क्या क्या है जो कंसीडर करते हैं? तो पहला फोर्स आता है अपना बॉडी फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है? जो कि फ्लो के ऑपोजिट फ्लो होता है, फ्लो ऑपोजिट, और एक्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा आता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फोर्स। फोर्थ है सरफेस टेंशन फोर्स। ये बॉडी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। और उसके बाद फिफ्थ है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। और लास्ट वन प्रेशर फोर्स। ये सिक्स्थ फोर्स है जो हम फ्लूइड डायनेमिक्स में कंसीडर करते हैं, और इसके थ्रू हम फ्लूइड डायनेमिक्स स्टडी करेंगे ये छह फोर्स को कंसीडर करके। ओके थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये बेसिक पार्ट है, मींस फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा स्टार्टिंग पार्ट है, इसके बाद हम पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर देंगे।